हैं बंसल न्यूज, मैं हूं आपके साथ संस्कृति जनस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत भी खास खबर के साथ जो कि उज्जैन से है। यहां पर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले हैं। राजाधिराज चंद्र मौलेश्वर के रूप में आज बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। चांदी की पालकी में सवार होकर यहाँ पर बाबा महाकाल की यात्रा निकली है। झमाझम बारिश के बीच भी ये यात्रा लगातार जारी है। प्रजा का हाल चाल जानने के लिए बाबा महाकाल निकले हैं। चंद्र मौलेश्वर के रूप में आज वे दर्शन दे रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संतोष कृष्णानी हमारे साथ उज्जैन से जुड़ गए हैं। संतोष, सबसे पहले तो आप जहां पर मौजूद हैं वहां के पीछे का बैकग्राउंड दिखाइए, वहां की हलचल दिखाइए, क्योंकि बाबा महाकाल स्वयं निकले हैं आज श्रद्धालुओं को दर्शन देखने देने के लिए, तो श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह होगा। बिल्कुल संस्कृति, बताना चाहिए राजाधिराज महाकाल जब चांदी की पालकी में सवार होकर श्रावण मास के सोमवार पर निकलते हैं तो प्रजा का हालचाल जानने निकलते हैं। और हम आपको आज का दृश्य दिखाते हैं जो इंद्रदेव भी बाबा महाकाल के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, जो बूंदों की बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि पुष्प वर्षा करते हुए एक जो स्वर्ग जैसा नजारा है वो प्रतीत नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हुजू में ये बाबा महाकाल के दीवाने हैं जो बारिश की भी चिंता न करते बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए। ये उत्साह के बीच बाबा महाकाल के दीवाने हैं, सभी लोग की एक ही आवाज है, आ रही है पाल की जय भक्तों का। हुजू में जो बाबा महाकाल चांदी की पालकी में सवार होकर निकलते हैं तो प्रजा के दुख दर्द लेने के लिए, दुख दर्द हाल चाल जानने के लिए निकलते हैं। वो खास बात है कि जैसे ही बाबा महाकाल का सभा मंडप में पूजन अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद जब जैसे ही मुख्य द्वार पर आते हैं तो पुलिस बल द्वारा उनको सलामी दी जाती है। सलामी के बाद जैसे ही आगे आते हैं तो बम फटाकों के बीच में प्रजा के बीच में पहुंचते हैं। वो प्रजा भी बाबा राजा धीराज के लिए पलक पावड़े बिछा कर आतुर रहती है, जहां जिसको जगह मिलती है। संतोष, संतोष, आज सावन का दूसरा सोमवार है और निश्चित रूप से यहां पर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। मैंने जैसा कि देखा, कैमरा पर्सन ने भी दिखाया कि वहां पर और भी श्रद्धालु आपके आसपास खड़े। सबसे पहले तो बाबा महाकाल का जयकारा आप लगवा दीजिए और उनसे बातचीत कीजिए। ये दीवाना पाने भक्तों का। वो खास बात की महिलाएं, महिला जब बाबा महाकाल के झलक पाने आती है तो बाबा पूरे देश से बाबा महाकाल के भक्त हैं जो बाबा महाकाल की एक झलक पाने के लिए आते हैं। और खास नजारा, आज तो इंद्रदेव भी बाबा महाकाल के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहा है और उसके बाद भी बाबा महाकाल के भक्त ऐसे हैं जो बारिश की चिंता न करते हुए, आंधी तूफान की चिंता न करते हुए बाबा महाकाल की झलक पा रहे हैं। और ये जो नजारा था, सबसे पहले घोड़े जवान है, उसके बाद पुलिस बल है, पुलिस बल के बाद भजन मंडलियां हैं, लगातार जयकार है, डमरू बजाते हैं, झूमते नाचते गाते हुए बाबा महाकाल की भक्ति में लीन है। कहीं ना कहीं जो उज्जैन शहर है पूरा भक्तिमय नजर आ रहा है, पूरा भगवामय नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बच्चे हो, बड़े हो, महिलाएं हो, युवतियां हो, सभी नाचते गाते बाबा महाकाल की भक्ति में नजर आ रहे हैं। जय महाकाल। तो ऐसा जो नजारा जी,